जो आप टूथ ब्रश डेली यूज करते हो वो आप सुबह सुबह ब्रश करने जाते हो तो ऑफ कोर्स वो क्लीन रहता है, साफ रहता है। बट देखो ये है उसका मैग्नीफाइड इमेज। एक्चुअल में जो ब्रश होता है उसमें ऐसा जो है ना, असल में उसमें ना पिछले दिन का ब्रश किया हुआ टूथपेस्ट एक्चुअली में ऐसा लगा रहता है। और ये आपको तब देखने मिलता है जब आप एक ब्रश को माइक्रोस्कोप से देखते हो और एक एक ब्रिसल्स को ऑब्जर्व करते हो, उसके ऊपर ऐसा टूथपेस्ट लगा रहता है। कितना अमेजिंग है ना, मतलब आपको ब्रश करने के बाद उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 24, एक पत्थर है जिसका नाम है शाइल सडोनी और वो ना ऐसा दिखता है। देखो ये ऐसा पत्थर दिखता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारा तौलिया कपड़ा एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ऐसा आप यहाँ देख सकते हो, या फिर नीचे कोई ये मीट है, मीट किसी जानवर का मीट कटा हुआ है, बट असल में ये कॉन्क्रीट पत्थर है। इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 23, हाथी जो होता है, हाथी का पूंछ जो होता है उसको आप कभी बहुत ध्यान से कॉन्शियसली ऑब्जर्व कियो, देखो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये देखो, हाथी का पूंछ है ये, कैन यू बिलीव दैट। जी हाँ, ये देखो हाथी, इसका पूंछ, और उसके पूंछ को अगर आप हैंड पे लेके ऐसे क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको हाथी का पूंछ कुछ ऐसा दिखता है, एकदम अमेजिंग है। मतलब हम लोग में से बहुत कोई जो हाथी के पूंछ को कभी कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया ही नहीं है, है ना। फैक्ट नंबर 22, केला जो आप खाते हो उसमें ऑफ कोर्स बीज नहीं रहता है, ठीक है, उसमें बीज नहीं रहता है, बट बहुत सारे केले के ऐसे प्रजाति है जिसमें ना इतने बड़े बड़े जैसे एप्पल में बीज होता है ना, वैसे केले में भी बीज होता है। ये देखो उसका इमेज, इस इमेज में आप देख सकते हो कि केले के अंदर कितना बड़ा बड़ा बीज है, और ज्यादातर नेचुरल केला ना ऐसा ही होता है, और हम लोग जो खाते हैं उसको स्पेशल तरीके से ब्रेड किया जाता है। फैक्ट नंबर 21, एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पफर फिश इसे कहते हैं, ठीक है, ये मोटका मोटका फिश। तो ये फिश जो है इसको अगर आप इसके ऊपर का मांस हटा दो तो इसका जो हड्डी होता है ना वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है पफर फिश का एक स्केलेटन। इट्स अमेजिंग, इसको आप बड़े स्क्रीन में भी देख लो, ये मतलब कितना अमेजिंग लग रहा है ना। मतलब मछली का जो बॉडी होता है वो नॉर्मल मछलियों का एक नॉर्मल सा होता है, बट इसको देखो मतलब अमेजिंग है, नेचर अमेजिंग है, ये ऐसा लगता है मतलब गजब लग रहा देखने में एकदम। फैक्ट नंबर 20, रैबिट्स जो खरगोश होते हैं वो टिपिकली कितने बड़े होते हैं, इतने बड़े, ठीक है।